Assalamualaikum everyone, मैं आपकी होस्ट तंजीला एंड वी आर हेयर विद द 13th एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर एपिसोड में आपकी मुलाकात कराते हैं यंग इंस्पायरिंग एंटरप्रेनर के साथ। आज भी हमारे साथ ये क्या यंग इंस्पायरिंग एंटरप्रेनर है जिनका नाम है जवाद साहब। अस्सलामुअलैकुम जवाद साहब, वालेकुम अस्सलाम। अपनी कंपनी के बारे में बताएं, किस तरीके से आपने बिजनेस शुरू किया, क्या उसके पीछे इंस्पिरेशन थी आपकी? असल में हम लोग मेरी कंपनी का नाम है बिजी कंसल्टेंट्स। हमारी कंपनी मार्केट में 8 साल से काम कर रही है। असल में मार्केट हमारे पास पाकिस्तान में काफी सारे फ्रीलांसर हैं, तकरीबन अब हर घर में ही फ्रीलांसर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, मल्टीपल कंट्रीज में सर्विसेज दे रहे हैं। हर एक को परेशानी आती है कि पाकिस्तान में पेमेंट लाने के लिए उन्हें मुश्किल का सामना रहता है कि कमा तो लेते हैं पैसे, लेकिन पाकिस्तान में लाने के लिए एक काफी बड़ी पेमेंट मेथड है पेपॉल। उनके पास पेपॉल की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनके पास वहां का बैंक नहीं है जिससे वो क्लाइंट से पेमेंट ले सकें। और जब वो किसी क्लाइंट को बताते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से हैं, बट मोस्टली क्लाइंट्स आपको लीव कर जाते हैं, यानी कि आपको ऑर्डर ही नहीं प्लेस करते। तो ये काफी सारे इश्यूज थे। इन इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सर्विसेज स्टार्ट की। अभी करंटली हमारे पास 6,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं हमारी कंपनी में और ऑलमोस्ट 25 से 30 लोग हमारे पास जॉब कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, पेपाल की सर्विसेज दे रहे हैं। लाइक हम लोग क्लाइंट्स की कंपनी रजिस्टर करते हैं यूके में, उसके बिहाफ पर उनको हम लोग जो है ना पाकिस्तान में पेपाल बनवाने की फैसिलिटी देते हैं लीगली, ताकि वो लीगल पेपर अपने नाम पे, फिर उनकी कंपनी यूके या यूएसए में मल्टीपल कंट्रीज में रजिस्टर करवा कर देते हैं ताकि वो स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग ले सके, पेरेंट्स उन कंट्रीज में दिखा सके और वहां से पैसे कमा सके। सही, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, डेफिनेटली किसी भी बिजनेस के लिए कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तो किस तरीके से आपने कैपिटल अपना रेज किया? मैंने जो है अमाउंट मोस्टली अपने घर से ही अरेंज की थी, लाइक अपने पॉकेट मनी से। तो वहां से एक छोटी सी शॉप बनाई थी जिसका रेंट था ऑलमोस्ट 2,500 रुपीज, और वहां से हम लोगों ने जो है ना उसका स्टार्ट लिया। उसके बाद माशाल्लाह फिर उसे एक्सपैंड करते गए। उसके बाद हमारा एक ऑफिस था दुबई में और उसे फिर हम लोगों ने और एक्सपैंड किया। पाकिस्तान में भी हमारे मल्टीपल ऑफिस हैं पाकिस्तान में। तो बस जो इन्वेस्टमेंट थी वो घर वालों की ओर से थोड़ी सपोर्ट थी, तो बस उन्होंने कहा जी, लेकिन उन्होंने कहा था साथ पढ़ो पहले, उसके बाद जॉब करना यानी कि कोई बिजनेस करना। लेकिन मुझे शौक था कि मैंने पढ़ना भी है और साथ मैंने कुछ करना भी है। तो उसके लिए फिर मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी वो मैंने जमा करके तो उससे जो है ना एक छोटा सा ऑफिस लिया और वहां से फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया इंडिविजुअली। लेकिन अब फिर उसके बाद स्टाफ हायर करते गए, पार्टनर्स ऐड हो गए, तो काफिला बनता गया माशाल्लाह। अब तो एक अच्छी खासी टीम है। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगता है उसको बड़ी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं अपने फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि आपको भी क्या सेम इसी तरह के सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े और किस तरीके से आपने बिजनेस चलाने? बहुत सारे, तकरीबन हर बंदा ये कहता था कि नहीं यार इंटरनेट, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी अवेयरनेस है मार्केट में, लोगों को पता है कि इंटरनेट पे काम होता है। लेकिन 2012-13 में हर बंदा समझता था कि इंटरनेट पे जो भी होता है वो फ्रॉड है। तो मैं जिसको भी बताता था कि यार मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो वो साफ अल्फाज में कहते थे वो भी यार फ्रॉड है, तो तुम भी फ्रॉड करते हो यार। उनको फिर उनको समझाना पड़ता था कि एक प्रॉपर मार्केट है, वहां पे काम होता है। फिर हम लोगों ने उन चीजों को थोड़ा शॉर्ट कर दिया कि कोई भी पूछता था तो बस उसे ये बताते थे कि हम लोग जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, इनके शॉर्ट सा आंसर दे के उनको बता देते थे। अगर उन्हें बताते थे कि इंटरनेट पे काम करते हैं तो फिर उनको पूरी स्टोरी बतानी पड़ती थी, कि वो फिर भी समझ नहीं पाते थे। ब्रांड में कहते थे नहीं यार होता फ्रॉड ही है इंटरनेट पे। तो वो बड़ी चीजों को उन्हें टैकल किया मार्केट में, उसकी वजह से फिर घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि कोई फ्रॉड है, बच्चा जो है ना गलत रास्ते की तरफ ना चल पड़े। तो करने पड़े, फिर घर से इजाजत नहीं मिलती थी, तो बड़ी मुश्किल से ना अपने ओन पे ही पैसे जमा करके जो ना काम स्टार्ट करना पड़ा। बिल्कुल सही। अच्छा, बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए आप, प्रॉफिट जनरेशन की मेन आपका सोर्स क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन या किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट को जनरेट करते हैं? अभी हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, हम लोग 8 कंट्रीज के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, इंक्लूडेड हमारा जो टॉप कंट्री है वो यूके है, उसके पास यूएसए है। यूके की हमारे पास 5,000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं। एक दफा कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो फिर क्लाइंट को उसकी टैक्स फाइलिंग भी करनी होती है,
फिर उसको कंपनी को रिन्यूअल भी करनी होती है। उसके अलावा काफी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो उस कंपनी को चाहिए होती हैं, तो हम वो हमारा रिकरिंग क्लाइंट होता है, तो वो हर साल कंपनी भी रिन्यू करवाता है, वो टैक्स फाइलिंग भी करवाता है, वो एनुअल फाइलिंग भी करवाता है, टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवाता है। ये सारी सर्विसेज हम लोग उसे बार बार जो है डिलीवर करते हैं, उसे चार्ज करते हैं। उसके बाद यूएसए में हमारी 1500 से ज्यादा एक्टिव कंपनीज हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, जो हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं। यूएसए में फिनटेक जो वर्चुअल जिसे कहते हैं वर्चुअल बैंक्स हैं, उसमें मरकरी का एक बड़ा हाईली फेमस बैंक है, मरकरी, रिले बैंक, नोवो बैंक, इन सब के ऑफिशियल पार्टनर हैं हम लोग पाकिस्तान से। इसके अलावा यूके कंपनी हाउस है जहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती है, गवर्नमेंट का जो इदारा है उनके ऑफिशियल पार्टनर है हम लोग पाकिस्तान से। पाकिस्तान से एक ही पार्टनर है, वो हम लोग हैं। उसके अलावा यूएसए के बैंक्स के पार्टनर्स हैं, उसके अलावा जो है ना ऑस्ट्रेलियन एक दो बैंक्स हैं उनके हम लोग पार्टनर्स हैं। अभी हम लोग उस पर जो पार्टनरशिप ऐड कर रहे हैं काफी सारी बैंक्स के साथ, कंपनीज के साथ, अपने पोर्टफोलियो को जो है ना एक्सपैंड करने के लिए। अच्छा, जो आपके क्लाइंट्स हैं सिर्फ लोकल क्लाइंट्स हैं या इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं आपके? हमारे पास इस टाइम ऑलमोस्ट 55% जो क्लाइंट है वो पाकिस्तान से हैं, बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो तुर्की से हैं, क्योंकि तुर्की में भी पेपाल अवेलेबल नहीं है, उनको भी सेम इशू है। हमारे क्लाइंट तुर्की से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, इस तरह की काफी सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप कंपनी को रजिस्टर कराते हैं और उसके बेस के ऊपर उनको पेपाल का अकाउंट मिल जाता है, तो उससे जी, अल्टीमेटली क्लाइंट को पेमेंट किस तरीके से मिलती है पाकिस्तान में असल यहाँ बैठे हुए? जो पेपाल कंपनी है वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप पाकिस्तान से बैठ के पेपाल बना सकें, पर्सनली पर्सनली पर्सनल अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन वो अलाउ करते हैं कि आप पेपाल का अकाउंट बना लें, बिजनेस अकाउंट, जो कि आप उस कंपनी उस कंट्री में जिस कंट्री में पेपाल अवेलेबल है वहां पे बना के आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी कंपनी रजिस्टर करते हैं यूके में, उसके बिहाफ पे उनका पेपाल अकाउंट बनाते हैं यूके का, फिर उसके बिहाफ पे एक वर्चुअल बैंक अकाउंट है ट्रांसफर वाइज जिसके हम लोग पार्टनर हैं वो, और बैंक जो है वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हम लोग उस बैंक में उसका अकाउंट खुलवाते हैं, उस बैंक को पेपाल के साथ अटैच कर देते हैं, और उसके क्लाइंट को एक प्रॉपर यूके की सिम पाकिस्तान मंगवा कर देते हैं जिसके थ्रू वो पेपाल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, व्हाट्सएप बना सकता है, पेपाल को वेरीफाई कर सकता है, इस तरह की काफी सारी सर्विसेज पे वो यूज कर सकता है। तो हम लोग ये सारी सर्विसेज देते हैं ताकि पेपाल में पेमेंट आती है, पेपाल से उस बैंक में आती है वाइज में, और वाइज से वन क्लिक के ऊपर पाकिस्तानी बैंक में पेमेंट आ जाती है वी आर प्रॉपर चैनल लीगली और वाइट मनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको पता चले कि ये एक लीगल प्रोसेस है और इसके अंदर कोई और किस तरीके से भी नहीं, इसके अंदर प्रॉपर कुछ। सारी चीज लीगल है, जब कंपनी रजिस्टर होती है तो आप यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं, जो एक एक स्टेप है वो सारा लीगली है प्रॉपर। पाकिस्तान में मैं ये कह सकता हूँ कि हर चौथा फ्रीलांसर हमारे हाथ का बना हुआ पेपर यूज कर रहा है, कि हमारी कोई ना कोई सर्विस यूज कर रहा है। सही, ठीक। अच्छा, जो आप मार्केटिंग अपनी किस तरीके से करते हैं, न्यू क्लाइंट्स आपको लाइक हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो किस तरीके से उनको पता चले कि हम ये लोग कंपनी कुछ ऑफर कर रही है? हमारे जो 70% क्लाइंट्स हैं वो है रिकरिंग क्लाइंट्स, यानी कि जिसने सर्विस ली उसे पसंद आई, लाइक आपके सर कोई ना कोई फ्रीलांसर्स हैं, दोस्त हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं तो वो उनको रेफर करते रहते हैं। उसके अलावा हमारे साथ कुछ व्लॉगर्स अटैच हैं जिनके साथ हम लोग व्लॉगिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, और हमारा एक खाली जो है ना बजट जो है वो स्पेंड होता है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग जो है ना मार्केटिंग करते हैं। सही। अच्छा, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं, कुछ ग्रोथ के प्लान्स हैं आपके या कोई और सर्विसेज भी ऑफर करना चाहते हैं जो आप? जी, अब हम लोग जो है ना गुजरांवाला में हम लोगों ने एक ऑफिस और अपना जो है ना ओपन कर दिया है, कराची, भावलपुर, वजीराबाद और एक दो और सिटीज में 5 से 6 ऑफिसेज दिसंबर टू जनवरी में इन 2 मंथ्स के अंदर ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके साथ हम लोग जो है स्टडी कंसल्टिंग की सर्विसेज ऐड कर रहे हैं कनाडा में, इटली में और यूके में। उसके बाद हम लोग पाकिस्तान में ऑफिशियली क्राउड फंडिंग की फैसिलिटी मौजूद नहीं है जिसके थ्रू क्लाइंट्स क्राउड फंडिंग करके जो स्टार्टअप्स हैं अपनी पाकिस्तान में इनकम ला सकें, क्योंकि हर जो स्टार्टअप है उसको वीसीज के पास जाना पड़ता है, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, समटाइम वो उस अपने जो मुताबिक है जो अमाउंट वो अरेंज नहीं कर पाते, तो हम लोग उनके लिए फैसिलिटी लेके आ रहे हैं यूके के थ्रू। यूके क्राउड फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई है, हम लोग वहां से यूके से लॉन्च करेंगे एशियन मार्केट के लिए। एशियन मार्केट में जो मेन सपोर्टेड कंट्री होगा वो पाकिस्तान होगा, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे ताकि अपने जो है ना स्टार्टअप का लिस्ट कर सकें और पूरी दुनिया से फंडिंग जनरेट कर सकें लीगली। ओके, ये क्राउड फंडिंग वाली बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ आवर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को, बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती पाकिस्तान है में क्राउड जब फंडिंग का कोई भी। भी प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं कर रहा, पाकिस्तान में कोई भी टॉप प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं कर रहा,
ऑलमोस्ट एशिया में ही कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं कर रहा, काफी सारे अच्छे प्लेटफॉर्म है जो एशिया में अलाउ नहीं कर रहे। तो अभी हम लोगों ने हमारे रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गई है चैरिटी की और क्राउड फंडिंग की भी, क्योंकि ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट है क्राउड फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, अभी हम लोग उस पर जो है ना उसकी लॉन्चिंग फेज में बीटा पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इंशाल्लाह न्यू ईयर के ऊपर उसे लॉन्च कर देंगे हम लोग पाकिस्तान में। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, जो यंग लोग, कोई और आने वाले लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, कोई गाइडलाइन शेयर करना चाहेंगे? बस हमारे पास असल में एक जो कोई भी फ्रीलांसर्स हैं लोग हैं वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है। इंटरनेट की इंडस्ट्री में जब आपने काम करना होता है तो आपको थोड़ा सा सब्र चाहिए। आप ऑनलाइन काम करेंगे, हम लोग क्या कहते हैं कि आज हमने फाइबर की प्रोफाइल बनाई, 4 दिन काम किया, उसके बाद हम लोग कहते हैं यार ऑर्डर नहीं आ रहे, छोड़ो इसको और कुछ करते हैं। वो उसको इम्प्रूव नहीं करते, अपने अकाउंट को इम्प्रूव नहीं करते, उसकी थोड़ी सी एसईओ नहीं करते, तो उस पर काम नहीं करते, बजाय इसके कि उस पर थोड़ा और वक्त लगा लें कि ऑर्डर आ जाएगा, वो कहते हैं कि नहीं हम लोग और कुछ करते हैं। बस यही है कि उसे मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें कोई भी काम है। इंटरनेट के अंदर बहुत पैसा है, किसी भी फील्ड में हाथ डाल लें उस फील्ड में पैसा है, सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। फिर भी उसके अलावा कोई गाइडेंस चाहिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, यूट्यूब पे, हर हर दूसरे चैनल पे अब तो जो ना चीजें आसान है, हर वीडियोस पड़ी हैं, हर चीज ओपन है, हर चीज। बस मुश्किल मिजाजी के साथ काम करें तो हर बंदा विन कर सकता है इसको। आप भी कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे आप ये गाइडेंस प्रोवाइड कर सके किस तरह से बाकी लोग भी हैं फ्रीलांसर? नहीं, हम लोग जो स्टार्टअप्स को और काफी सारे स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दे रहे हैं गाइडेंस की, कि कैसे इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करना है और कैसे जो इनकम को जनरेट करना है, ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। ओके, थैंक यू सो मच जवाद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों, आपने फ्रीलांसर्स के लिए और यंग लोगों के लिए, स्पेशली जो पेमेंट का प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करें, बहुत से लोगों को और पता नहीं होगा कि या आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सॉल्व कर सकते हैं, सो डेफिनेटली नो थ्रू इट। आप सब ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आई विल अगेन कम विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरी, टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।